ओशो अक्सर कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। हम में से प्रत्येक ना तो कभी जन्म लेते हैं और ना ही मरते हैं, दोनों ही भ्रम है। निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। जैसे कि जब तुम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो एक रस्सी को सांप समझ लेते हो। शायद रात आ रही है, सूर्य अस्त हो चुका है और तुम एक अंधेरे पथ पर हो और अचानक तुम्हें सांप से डर लगता है, लेकिन वहां केवल एक रस्सी पड़ी होती है। कुछ प्रकाश लेकर आओ, सिर्फ एक मोमबत्ती ही काफी है और सांप अब नहीं मिलेगा, वो कभी वहां था ही नहीं। जन्म उसी प्रकार एक भ्रम है जैसे रस्सी में देखा गया सांप। और यदि जन्म भ्रम है तो मृत्यु भी निश्चित भ्रम ही है। तुम कभी जन्मे नहीं हो और तुम कभी मरते भी नहीं हो। निश्चित रूप से तुम एक शरीर में प्रवेश करते हो, ये जन्म है, और एक दिन तुम शरीर को छोड़ देते हो, जिसे तुम मृत्यु कहते हो। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम अपने जन्म से पहले थे और अपनी मृत्यु के बाद भी रहोगे। जन्म और मृत्यु तुम्हारे जीवन को सीमित नहीं करती, तुम्हारे कई जन्म और कई मृत्यु हो चुकी हैं। जन्म और मृत्यु केवल तुम्हारे जीवन की अनंतता में छोटे प्रकरण है, और जिस क्षण तुम इस अनंतता के प्रति जागरूक होते हो, तुम समयातीत हो जाते हो, यहाँ और अभी के क्षण में प्रवेश कर जाते हो। सारा डर, सारी चिंता मृत्यु के बारे में तुरंत मिट जाती है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें भाप बन जाती हैं। निश्चित रूप से एक दिन ये शरीर नहीं रह जाएगा। जिस दिन बुद्धत्व तुम्हारे जीवन में घटता है, उस दिन तुम इस शरीर में रहकर भी नहीं रह जाते। शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता, तुम केवल एक अतिथि की तरह हो जाते हो। इस शरीर में तुम इसके मालिक नहीं हो, तुम अब इसका हिस्सा नहीं रह जाते। एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, फिर तुम शरीर में रहते हो, उससे एक मित्रता हो जाती है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा वाहन हो जाता है। ये तुम्हें आश्रय देता है, इस जीवन में गुजरने में मदद करता है। लेकिन अब तुम शरीर नहीं रहे, जितना तुम अपने में गहरे चले जाते हो, शरीर भूलने लगता है, शरीर से एक दूरी बढ़ती चली जाती है, और बुद्धत्व में वो संबंध, वो तादात्म्य टूट जाता है। और बहुत सारे साधक और संत, जब उनको बुद्धत्व घटता है, वो शरीर में वापस नहीं आ पाते। यह एक दुर्लभ घटना है, कोई बुद्ध, कोई ओशो, कोई कृष्ण इस शरीर में वापस आ पाते हैं। उस क्षण अस्तित्व निर्णय लेता है, तुम्हें शरीर में वापस भेजना है या नहीं। लेकिन अगर संत शरीर में वापस आए या ना आए, उसका कर्म निपट गया है, उसका काम पूरा हो गया है। मेरी प्रार्थना है ये बुद्धत्व का दिया तुम्हारे जीवन में भी घटे और एक दिन तुम इस जीवन और मृत्यु के वर्तुल से मुक्त हो सको। प्रणाम।